तो वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में दोमोहोनी के पास गुरुवार को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के 12 डिब्बे पतरी से उतरकर पलट गए थे जिसके चलते छह लोगों की मौत हो गई और 45 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं हादसे में गुरुवार शाम पांच बजे जलपाईगुड़ी स्टेशन से करीब बयालीस किलोमीटर और अलीपुर द्वार स्टेशन से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है सूचना मिलने पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी न्यू जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार से दुर्घटना राहत ट्रेन के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायलों की संख्या पैंतालीस से ज्यादा बताई जा रही है फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का दौरा किया रेल मंत्री ने कहा कि कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी के बाद ही हादसे की वजह साफ हो पाएगी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए पांच लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को एक लाख रुपए और मामूली रूप से जख्मी लोगों को पच्चीस हजार रुपए दिए जाएंगे किस कारण से आया है उसको डिसमेंटल करेंगे खोलेंगे तब जाके पता चलेगा उसका कॉज कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी इंक्वायरी कर रहे हैं उनका इंक्वायरी भी आ जाने दीजिए तब जाके एग्जैक्ट पूरा रूट कॉस्ट पता चलेगा रेलवे ने जो दिवंगत पैसेंजर्स हैं उनके लिए ऑलरेडी मुआवजा देना चालू कर दिया है दिवंगत आत्माओं को आत्माओं के लिए हमारी प्रेयर है और उनके परिवारजनों को पाँच लाख रुपए दिया जा रहा है और जो सीरियस ग्रीवियसली इंजर्ड है उनके लिए वन लाख रुपीज़ उनको दिया जा रहा है प्लस जो नॉन सीरियस इंजरी है वहाँ पच्चीस हज़ार रुपये पर पर्सन दिया जा रहा है